दोस्तों क्या आपके भी शॉर्ट्स वायरल नहीं होते? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके इंशाल्लाह शॉर्ट लाजमी से वायरल होंगे। ठीक है, आप बोलोगे यार ये क्या हर रोज़ शॉर्ट्स वाली वीडियो डाल रहे हैं। यार शॉर्ट्स को आप पता नहीं, आप शॉर्ट्स से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा शॉर्ट्स से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, और आप शॉर्ट्स एकदम से वायरल कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तीन स्टेप होंगे, तीन स्टेप को आपने फॉलो करना होगा और आपके शॉर्ट्स धड़ाधड़ वायरल होने लग जाएंगे। ठीक है, आपने करना क्या होगा, सबसे पहले शॉर्ट वीडियो अपलोड की, सबसे पहला स्टेप आपने क्लिक बेट टाइटल लिखना है। मतलब ऐसा टाइटल लिखना है जिसको देख के बंदा क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, कि उसे क्लिक करना पड़े, वो मजबूर हो जाए, वो देखे और परेशान हो जाए कि यार ये क्या हो सकता है, और वो लाजमी उस पर क्लिक करे। दूसरा स्टेप, आपने डिस्क्रिप्शन में वही टाइटल लिखा है वो डिस्क्रिप्शन में लगा के उसके बाद कुछ टैग्स होंगे वो लगाने होंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके नाम हैशटैग में लगाने होंगे, वो भी आपको बताऊंगा किस तरह से, वो प्रैक्टिकल जाके बताऊंगा। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, उसके अलावा मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा जी। थर्ड स्टेप आपने करना है टैग्स, टैग्स आपने लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लगाओगे। वो लगाओगे बिल्कुल आपके ट्रेंडिंग में जाएंगे। ठीक है, आपके शॉर्ट फीड में जो है शॉर्ट जाएंगे और एकदम से वायरल होने लग जाएंगे। ठीक है, आपने वीडियो लास्ट तक देख लेनी है, तब आपको सही तरह से समझ आएगी। अगर ना हुई तो फिर उसके बाद आप फिर कहना कि भाई नहीं हो रही, आप एक दफ़े अप्लाई करो। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर मोबाइल की स्क्रीन पे, प्रैक्टिकल आपके आपको करके बताता हूँ किस तरह से आपने अपने शॉर्ट्स को वायरल करना है, और फिर आगे मज़ीद बातें मोबाइल की स्क्रीन पे करते हैं। चलो लेट्स गो जी। तो दोस्तों हम लोग आगे मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने क्लिक बिट जो है ना वो टाइटल कहाँ से लेने हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अब जिस चीज़ का भी आपका चैनल जिस तरीके के आप वो लगाते हो ना हैशटैग, वो मतलब कंटेंट जिस तरीके के शॉर्ट्स लिखते हो आप, मतलब डालते हो यहाँ पे यूट्यूब पे, तो वो उस तरह का आपने पहले सर्च कर लेना है यहाँ पे। और पहले मेरी बात ये सुन ले कि आप जितना कम से कम शॉर्ट डालोगे ना उतना ज़्यादा वायरल होगा। ठीक है, जितना उसकी टाइमिंग कम होगी ना शॉर्ट की उतना ज़्यादा वायरल होगा, ये आप मेरी बात सुन लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 से 7 सेकंड से ऊपर शॉर्ट हरगिज़ ना बनाएं। अगर आपका न्यू यूट्यूब है, आप अगर पुराना है तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख लेना है, अभी मेरा जैसे रिस्पेक्ट के उसका है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ रिस्पेक्ट शॉर्ट्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, सॉरी मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख, लेकिन हो गया, कोई नहीं। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लिक करता हूँ, इस पर 9 मिलियन व्यूज़ हैं इसके। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये जो इसने टाइटल लिखा हुआ है ना, ये आपने बिल्कुल यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख के लिख भी सकते हो, ठीक है, देख के आपने लिख लेना, यहाँ से कॉपी नहीं होगा। तो मैं सिंपली ये कॉपी करके वहाँ पे वीडियो को अपलोड करते वक्त लिख लूँगा, मैं सिंपली इसको कॉपी करके आपको बताता हूँ। दोस्तों जो भी वीडियो होगी ना जिसका टाइटल आपने कॉपी करना हो, उसको लिंक कॉपी करके आप गूगल प्ले क्रोम पे आके यहाँ पे इसको पेस्ट करोगे तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाओगे। इसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करके इस तरह से इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, अब चलते हैं यूट्यूब पे और वीडियो अपलोड करके आपको बताता हूँ जी। मैं आ गया हूँ यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे, और आप भी इसको अपलोड पे क्लिक करोगे, क्रिएट शॉर्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करोगे, और जैसे आप अपलोड पे क्लिक करते हो उसके बाद आपने कोई सा शॉट ले लेना है। मैं भी मेरे पास सिंपली ऐसा शॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ, ये ज़बरदस्त शॉट है। ठीक है, इसको मैं अभी क्लिक कर लेता हूँ, डन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने फिर दोबारा से डन कर लेना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपने टेक्स्ट पे आ जाना है। टेक्स्ट पे आपने क्या लिखना है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मैं लिख लेता हूँ, और उसके मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं वो इसकी चेंजिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। उसके बाद इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऊपर लगा लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई सा फिल्टर लगा सकते हो। उसके बाद अपने थोड़ी मैं इसको और एडिटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई इमोजी सा भी लगा लेता हूँ। ठीक है, ये इमोजी लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर क्लिक करके अपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब जो आपने कॉपी किया था ना वो यहाँ पे पेस्ट कर देना, क्योंकि वो भी फुटबॉल का था तो ये भी फुटबॉल का है, तो मैं सिंपली फुटबॉल की लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अनलिस्ट करके और सिलेक्ट ऑडियंस पे नॉट इट इज़ नॉट मेड फॉर किट करके इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, ये जैसे आप अपलोड करते हो उसके बाद अपने YT स्टूडियो में चलते हैं, वहाँ पर आपको बताता हूँ क्या करना है। आप
दोस्तों बस आप वीडियो को पूरा देख लो ताकि आपको सही तरह से समझ। अगर आप स्किप स्किप करके देखोगे या छोड़ दोगे वीडियो आदमी में, फिर आप कैसे वायरल करोगे? फिर आप बाद में बोलोगे यार हमारी तो वायरल ही नहीं हो रहे शॉर्ट, तो वायरल कैसे होंगे यार, आप पूरा तरीका ही नहीं देखोगे जब तक। तो पूरी वीडियो वॉच किया करो, फिर अगर काम ना हो तो फिर आप बताया करो कि भाई नहीं हो रहा, हमने पूरी वीडियो वॉच की है। तो चलो चलते हैं YT स्टूडियो में, वहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करने आगे। जी तो ये अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे। अभी जो आपने यहाँ पे किया है ना सारा, ये इसको कॉपी करके आपने टाइटल को डिस्क्रिप्शन में लिख लेना है पहले, तो ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद नीचे थोड़ा सा आ जाने और उसके बाद आपने पहला लिख लेना है हैशटैग फुटबॉल, क्योंकि मेरा अभी फुटबॉल का है तो मैं फुटबॉल लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हैशटैग आपने रोनाल्डो लिख लेना है, वैसे अब लिखना है ना तो रोनाल्डो लिख लो क्योंकि रोनाल्डो भाई प्लेयर है अच्छा फुटबॉल का, तो मैं लिख लेता हूँ रोनाल्डो, ठीक है, रोनाल्डो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने हैशटैग लगाना है जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर है, ठीक है, उनका, तो मैं एक इंडिया का यूट्यूबर है मन सॉरी ये लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, मतलब आपने खुद देख के वो लगा लेने, ठीक है, मैं लगा लेता हूँ थोड़े से हैशटैग आप ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। उसके बाद आपने वायरल वाला लगा लेना है, उसके बाद हैशटैग ये लगा लेना है, ठीक है, ऐसे मतलब आप अपने हिसाब से, आप अपने कंट्री के हिसाब से जो जो आपके बड़े यूट्यूबर्स हैं ना उनके नाम आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लगा लेना है, उसके बाद फुटबॉल वीडियो लगा लेना है, फुटबॉल वीडियो, ठीक है, इस तरह से लगा लेना है। तो ये हो गए, उसके बाद आपने आ जाना है टैग्स में। टैग्स में आने के बाद आपने सबसे पहले जो ऊपर टाइटल है ना ये कॉपी करके आपने सारा का सारा इसमें पेस्ट कर देना है टाइटल में, सॉरी टैग में, ये हो गया। उसके बाद आपने लिख लेना है फुटबॉल, अभी आपका अगर किसी और का चैनल है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, मेरा फुटबॉल तो मैं फुटबॉल का वीडियो थी वो फुटबॉल लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ रिस्पेक्ट लिख लेता हूँ, रिस्पेक्ट वीडियो लिख लेता हूँ। उसके बाद यूट्यूबर्स के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यूट्यूबर्स के नाम लिख लेता हूँ इस तरह से आपने, मैं अभी आपको सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरह से आपने उनके यूट्यूबर्स के नाम लिख के, तो और उसके बाद शॉर्ट लिख के, शॉर्ट्स वायरल ट्रेंडिंग सॉरी ट्रेंडिंग, ठीक है, ट्रेंड टुडे शॉर्ट्स ये आपने लाजमी से लगा लेने। उसके बाद आपने इसको कोशिश करो तो एक घंटा इसको अनलिस्ट ही रखो, कोशिश करके अगर हो सकते तो आधा से एक घंटे इसको अनलिस्ट रखो। उसके बाद अभी मैं तो अभी मेरे पास आपको बताने के लिए पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पब्लिक पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली सेव पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये जैसे सेव हो जाएगा उसके बाद आप एक घंटे दो घंटे बाद देखोगे आपका एकदम शॉर्ट फीड में चला जाएगा और आपकी वायरल होने लग जाएंगी वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।